गलत आवाज आओ ताल खींचो तो, यदि चीटिंग नहीं करवाना था तो हमें यही रोकना चाहिए था, गेट पर फोन नहीं जाना देना चाहिए था। फोन कैसे कोई छात्रा को अखबारी में तनाव क्यों बाहर दिखवाए? जब आपसे पहले ही झगड़ा का पहले ही मिलने छात्रा आई, आपने तनाव भी दिखवा दिया लेडीज छात्रा को। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं सोक्ति भाई। अभी महाराजा कॉलेज के कैंपस में है और महाराजा कॉलेज के कैंपस में आप देख रहे हैं छात्रों का आक्रोश। ये पीजी के छात्र हैं और आक्रोश का कारण क्या है ये छात्र ही बताएंगे। हालांकि आप कल से ही देख रहे हैं सोशल मीडिया पर खबर जो वायरल हो रही है उसमें छात्राओं पर आरोप लगाया गया है कि जो भी प्रचर्या है, जो भी यहाँ पे शिक्षक है, उन लोगों के साथ मारपीट का क्या मामला है, क्या सच्चाई है, इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे ये देखिए क्या नाम है, लाइट वेट में जैसे कि कस्टमर लोग का डिमांड था कि लाइट वेट में भी न्यू डिजाइनिंग लाने का, तो जहाँ तक बात की जाए तो जो भी हार सेट का जो भी कलेक्शन है हमारा एकदम लाइट वेट में आपका अवेलेबल होगा। और जैसे कि सर हमारा एक विहान कलेक्शन का न्यू रेंज अभी आया हुआ है, अगर बुकिंग हो रहा है तो सारे बच्चों के लिए होगा ना, हमारे लिए भी होगा, उनके लिए भी होगा। ठीक, उधर से केमिस्ट्री का स्टूडेंट लोग सिटी मार रहा है, भोजपुरी गाना बजा रहा है। मेरे तरफ से एक स्टूडेंट ने कम्प्लेन किया कि सर देखिए यहाँ पे लड़की शादी शुदा महिला थी, सर देखिए सिटी मार रहा है सब, उनको मना करिए। ठीक, वो लोग नहीं माना और वो लोग प्रिंसिपल ऑफिस गया। उधर से मैम आई गुस्सा में और गुस्सा में आके इसको बेंच पे चढ़ के और इसको ऐसे ही से बाल पकड़ के बेंच पे ऐसे साड़ी उठा के बैठ के बाहर मारी इसको। ठीक, हम लोग बचाने में पीछे से गए, कैसे कोई हमारे स्टूडेंट को कैसे मार सकता है, हम लोग क्या किए हैं, इसको बचाने के लिए हम लोग गए, वो गिर गई और वो आवेदन दिए कि हम लोग उनको मारे। हम लोग बच्चे हैं, हम लोग सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट हैं, हम लोग टीचर को मार सकते हैं और टीचर मार देगा बच्चे को, टीचर सह लेगा। उसके बाद हम लोग प्रिंसिपल ऑफिस आए, हम लोग को घुसने नहीं दिया और ये वीडियो में हम लोग को धक्का दे रहा था, गार्ड है और पांच टीचर है, गंदे तरीके से टच करके छेड़ रहा था। ये महाराजा कॉलेज का टीचर ऐसे टीचर है, मार रहा था लोग टीचर लोग। प्रिंसिपल ऑफिस में जब हम लोग गए नहीं घुसने दिया, प्रिंसिपल थे वहाँ पे थे, हम लोग ऑफिस से धक्का दे दिया था सब और नहीं घुसने दे रहा था, हाथ पकड़ के नोच पकड़ रहा था वो लोग, ऐसा कर रहा था। हाथ में चुभ गया, वो टीचर है, ये निशान उसी का है। हाँ मैम का है, ऐसे हाथ देके धक्का दे रहा था टीचर, चपरासी हाथ लगा सकता है बच्चे को, हम लोग घर की लड़की नहीं है, ऐसे करके उसके बाद हम लोग को नाम दिया है और हम लोग को एग्जाम नहीं देने दिया है। दूसरी बात, ये पेरेंट्स ऐसे मारते हैं कि बेंच पे चढ़ जाओ और लफड़ाने लग जाओ, गलत आवाज आओ ताल खींचो तो, यदि चीटिंग नहीं करवाना था तो हमें यही रोकना चाहिए था, गेट पर फोन नहीं जाना देना चाहिए था। फोन कैसे एंट्री ले लिए, उसके बाद भी बाहर से कुछ लोग को बुलाकर और हमें धक्का दिया गया कि क्लास में जाओ लोग, फिर भी हम क्लास में गए तो इधर ये ड्रामा हो गया, पुलिस को बुलाया। ये जो आक्रोश आप देख रहे हैं ये आक्रोश है और शिक्षक जिस तरह FIR किए हैं उन लोगों का कहना है कि बच्चियों ने मारपीट की है, जबकि इन लोगों का कहना है कि नहीं मेल टीचर मारे हैं लड़कियों को। नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसी नौबत ही क्यों आई कि ये मारपीट का नौबत, कोई भी टीचर को क्यों मारेगा और इस तरह की नौबत क्यों उत्पन्न होती है? क्या कहेंगे आप, तो छात्रों के आप नेता हैं, छात्र संगठन के नेता हैं, हम पहले तो ये एग्जाम जो लिया जा रहा है वो गलत तरीके से लिया जा रहा है, एग्जाम का बहिष्कार छात्र किए, कोई गलती नहीं की है, क्योंकि एक महीना में आप फॉर्म भरवा रहे हैं
और एक महीना बाद रिजल्ट दे देते रहे सेमेस्टर टू का, और उसके तुरंत बाद सेमेस्टर थ्री का फॉर्म भरा के एग्जाम ले रहे, छात्र को पढ़ने का क्लास करने का मौका नहीं दे रहे हैं। एचओडी है जो आते हैं कुर्सी तोड़ने का काम करते हैं, क्लास नहीं लेते हैं। सरकार पैसे किसने दे रही है क्लास करने के लिए ना? किसी भी एग्जाम लेने के लिए 6 महीना कम से कम होना चाहिए गैप लगना चाहिए, तभी छात्र अपना बढ़िया से तैयारी कर पाएंगे, लिख पाएंगे परीक्षा में। लेकिन ये तो सब गलत तरीके से हो रहा है, यहाँ पे कोई इसको देखने वाला नहीं है, छात्र कोई जिम्मेवार नहीं ले रहा है। यहाँ पे हम प्रिंसिपल से ही मांग करते हैं, जो आप छात्रों के नेतृत्व करता के रूप में आपको छात्रों ने नेता बनाया है, इसीलिए इसके लिए आवाज उठाया है। हम इसीलिए ना आए आवाज उठाने के लिए, कल हमको सूचित किया गया कि छात्रों को पीटा गया किसी मैडम के द्वारा। हम मानते हैं कि छात्र मोबाइल लेकर चले गए, लेकिन जो बनारस से छात्र आ रही है आप मोबाइल जमा नहीं करवाइएगा तो मोबाइल रखेगी या फिर उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? फिर बनारस से अकेले छात्र ही आई है तो कहाँ मोबाइल अपना रखेगी? और प्रिंसिपल क्या कर रहे हैं कि जब ये सब प्रिंसिपल से मिलने जा रही है तो ये प्रिंसिपल अपना तनाशाही रवैया दिखाते हुए गार्ड से इसको अखबारी हाथ लगा के फेंकवाते हैं बाहर। वहाँ पे नवादा थाना की पुलिस आई हुई थी, हमने उनको ये वीडियो दिखाया, हमने उनको कंप्लेन किया, उन्होंने हमारा नहीं सुना। उन्हें ना फूल कुमारी उनका नाम था, हमने उनका बैच पकड़ा था। विद्यालय प्रशासन से ये मांग करते हैं कि ऐसे प्रिंसिपल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए और इसको यहाँ से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ऐसे नहीं छात्रों में सम्मान नहीं कर सकता। कॉलेज कब है? जब छात्र है तभी कॉलेज है, तभी प्रोफेसर है। हम भी छात्र थे कब है? जब हमारे साथ छात्र है तभी हम छात्र नेता भी बने हैं। ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे प्रिंसिपल को हम चाहेंगे जो तनाशाही रवैया दिखा रहे हैं। कुलपति महोदय तो बहुत अच्छे कार्य के लिए जाने जाते हैं, फिर भी एक तनाशाही प्रिंसिपल को यहाँ पे क्यों बैठा दिया? स्टूडेंट को बुला के नहीं पूछे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? स्टूडेंट को बुला के हम लोग को कोई नहीं बुलाया, हम लोग से कोई कुछ नहीं पूछा। हम लोग अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोग टीचर ही के पास जाएंगे ना, कि टीचर उल्टा जाके कंप्लेन करेगा? नहीं ना करेगा, हमारा तो 3 साल के करियर चला गया, हम तो नहीं कुछ बोल सकते, नहीं कुछ कर सकते। देखिए कब तक छात्र अपने घर नहीं जाएंगे जब तक ऐसे तनाशाही प्रिंसिपल को यहाँ से बर्खास्त नहीं किया जाता, और जो छात्रों पर क्लेम लगाया गया FIR किया जाए उसे तो अभी तक का वो जो मैडम है हिंदी विभाग की वो वापस ले, क्योंकि इस छात्र का जो जीवन बर्बाद हो रहा है, इसके लिए करियर खतरे पे लगा हुआ है। किसी का करियर मैडम के पैसे के लड़का लोग धमका रहे हैं। बोलो जी, लड़कियों को जो FIR हुआ है विलम्ब इसको वापस लिया जाए, नहीं तो ये बहुत बड़ा पैमाने पर धरना होगा। हम लोग यहाँ लेकर चले जा रहे हैं। और एक चीज और, ये जो लड़की है आज सुबह जब कॉलेज आई तो इनको केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के जो हमारे कल अपोजिट साइड बैठे थे इनको धमकी दे रहे हैं कि लक्ष्मी झांसी की रानी बन रही हो, अगर बनना है ना तो देखो हम लोग के साथ लोग चलो रास्ते में, हम तुम लोग को बताते हैं। कहाँ से? हम बनारस से। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ये लोग एक बाइक में 3 लोग था और बोल रहे हैं कि तुम ही हो ना केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के, और बोल रहे हैं कि चलो ना तुम लोग को। प्रिंसिपल के द्वारा डायरेक्ट लड़कियों को छेड़खानी करवाया जा रहा है बच्चे लोग से, अदर बच्चे जा रही हूँ, कुछ कोई कर दिया तो मैं क्या करूंगी, मैं क्या कर पाऊंगी? मेरे को ही बोला गया है लोग कि चलो मैं तुमको बताता हूँ। मैडम ही मारी है, बाकी सब कॉलेज में क्यों नहीं क्यों चोरी हो रहा है? बाकी सब कॉलेज में एग्जाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, हम लोग नहीं मिले, हम लोग नहीं मिले प्रिंसिपल से। स्टूडेंट का कोई बात प्रिंसिपल नहीं सुन रहे, वो अपने टीचर का सिर्फ बात सुन रहे हैं और उन्हीं के बातों के हिसाब से आज यहाँ पे जो भी रूल रेगुलेशन बना है। कोई भी एग्जाम शुरू होता है तो उसके लिए पहले गाइडलाइन तय होता है। अगर आपको मोबाइल बैन करवाना चाहिए था तो कल ही आप रूल रेगुलेशन लगवा देते कि मोबाइल नहीं जाएगा, बीच एग्जामिनेशन में आकर अपना डिसीजन चेंज कर दे रहे हैं कि मोबाइल बैन होगा। छात्राओं और छात्रों का आक्रोश, और आक्रोश के पीछे कारण क्या है आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है
सरकार के साथ बन रही है इसके बाद होता है तमाम जो भी छात्र हैं आप नारे लगा रहे हैं कहीं ना कहीं ऊपर वाला क्या तो छात्रों के आक्रोश ने तोड़ दिया गेट। दिव्य वात्सल्य ममता फर्टिलिटी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड मोर देन 65,000 IVF सक्सेसफुल केसेस। माता पिता बनने की ओर अपना पहला कदम बढ़ाएं, IVF अपनाएं। कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर रश्मि प्रसाद विश्व स्तरीय तकनीक ICSI IVF IUI ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर की समुचित व्यवस्था 234-235 लड्डू गोपाल मिष्ठान भंडार के नजदीक पाटलिपुत्रा कॉलोनी पटना।